आज हम औषधि के विषय में नहीं, अपितु जो हमारे नित्य जीवन में प्रयोग में आने वाली जो वस्तु है और जिसका हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और सभी इससे बहुत ही सुपरिचित हैं, चाहे पौधे को सभी ने देश के अधिकांशतः लोगों ने देखा है, पौधे को नहीं भी देखा हो इसके नाम से सभी सुपरिचित हैं, एक ऐसा भोजन, एक ऐसा अनाज। आज हम उसके संदर्भ में बात करेंगे, इसके औषधीय गुणों के संदर्भ में। तो वास्तव में हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने औषधि उसको माना जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है, जो नित्य प्रति जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वह अन्न के रूप में, फलों के रूप में, दूध या साग सब्जी के रूप में, सभी कुछ तो हमारे लिए वह जीवनदायी है। उससे हम ऊर्जा शक्ति प्राप्त करते हैं, उसको व्यवस्थित रूप से यदि हम सेवन करें तो बहुत सारे रोगों की परिसमाप्ति भी हम उसके द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से ही ऋषियों ने उसको, अन्न को भी औषधि के रूप में ग्रहण किया, औषधि के रूप में उसकी मान्यता दी गई। तो बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनका हम नियमित रूप से सेवन नहीं कर सकते हैं, वो किसी रोग परिस्थिति होने पर, कोई बीमारी होने पर, कोई शरीर में कोई विकृति पैदा होने पर हम सेवन करके उस विकृति को दूर करते हैं। कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिनको हम नियमित रूप से सेवन करते हैं तो वो विकृतियों से भी हमें बचाता है, और विकृतियां आ गई तो युक्ति पूर्वक सेवन करने से उन विकृतियों को हम दूर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस जंगल में, सुनसान, जहाँ कहीं हल चल रहा है, कहीं किसान लोग काम कर रहे हैं, कहीं लोग इस खेत को देख करके किसानों का जो हृदय है वह वास्तव में प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है। जिस तरह से अपने जो किसान की समृद्धि और संपन्नता का यह प्रतीक भी है। तो मैं बात कर रहा था गेहूं के विषय में। गेहूं को यदि हम बॉटनिकली हम जाते हैं तो इसको जो है ना ट्रिटिकम एस्टिहम और ट्रिटिकम बल्गेरा, इसकी दो मुख्यतः प्रजाति मानी गई है। तो ट्रिटिकम बल्गेरा या ट्रिटिकम एस्टिहम, तो ये जो है इसमें यदि संस्कृत की दृष्टि से हम बात करें इस गेहूं के विषय में, प्रायः संस्कृत में जो बहुत प्रचलन में नाम है उसका नाम इसका गोधूम है, गोधूम के नाम से हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे और भी नाम हैं, इसको अरूपा भी कहा गया, और दूसरा क्षीरी भी इसका गेहूं का संस्कृत का नाम है। बहुत कम विद्वानों को शायद क्षीरी नाम से वो गेहूं को जानते होंगे, और इसको बहुदुग्धा भी कहा गया। जब ये कच्चा होता है, जैसे अभी ये अर्धपक्व स्थिति में है, जो ये कच्चा होता है इसको यदि हम तोड़ते हैं तो इसके अंदर से ये काफ़ी दूध निकलता है। तो इसको जो है ये दूध आप देख सकते हैं, स्पष्ट दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा दूध निकलता है, तो इसीलिए इसको बहुदुग्धा भी कहा गया। यदि कच्चे को हम पीसें तो इसमें करीबन मैं समझता हूँ कि 80-90% जो है लिक्विड दूध जैसा पदार्थ इसमें से मिलता है। इसीलिए गेहूं को बहुत पौष्टिक लक्ष्य भोजन इसलिए कहा गया कि यह थोड़ा मल को भी बढ़ाता है, तो मल की अभिवृद्धि करने की वजह से, या हो सकता है कि म्लेच्छ देश में पैदा होने की वजह से भी होगा, तो इसको म्लेच्छ भोजन भी कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि इसको आयुर्वेद के अंदर शीतल कहा गया। कई लोग कहते हैं कि गेहूं बहुत उष्ण होता है, गेहूं का जो अनाज जो भी प्रयोग हम करें, यदि शास्त्र की दृष्टि से हम बात करते हैं, जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो भी जानते हैं कि घी नया होना प्रतीक है कि हमारे समृद्धि का भी, और घी जितना नया होता है उतना ही गुणकारी हो जाता है, पुराना घी भी गुणकारी होता है, वो मात्र औषधि के रूप में प्रयोग करने योग्य रह जाता है, घी पुराना हो जाता है तो नित्य प्रति भोजन का पार्ट नहीं बन सकता क्योंकि वह जहरीला हो जाता है। इसी तरह से अनाज के विषय में कहा गया कि यदि अनाज नया होता है तो नुकसान करता है, जैसे अनाज पक गया, पकने के बाद में जैसे गेहूं की बात करें या हम धान की बात करें, दूसरी भी फसलों की बात करें, तो हमने ऐसा देखा है कि अनाज पकने के 3-4 महीने के बाद में ही यदि हम उस अनाज का प्रयोग करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त तो अनाज यदि 1-2 साल पुराना हो जाता है, सुरक्षित रूप से रखने के लिए हमारे अभी इस तरह के भंडारण की व्यवस्था प्राचीन काल से रही है, मिट्टी का घर बनाया, मिट्टी का हमने एक अनाज के रखने को व्यवस्थित रूप से हम संग्रहित करने की एक विधा रही है, जिससे कि अन्न सुरक्षित भी रहे, कीड़े भी ना लगे, परंतु वह पुराना होने से गुणकारी ज़्यादा हो जाता है, वह सुपाच्य हो जाता है, शरीर के लिए
और अपने स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल से अन्न भंडारण की भी एक व्यवस्था रही। और दूसरा, यदि उस पक्ष के विषय में हम बात करें तो मैं एक बात कह सकता हूँ, क्योंकि अनाज जो है वह जिसके घर में, जिस किसान के पास पुराना अनाज है, इसका अर्थ यह है कि उसके पास इतनी संपदा है कि वह अन्न को संग्रहित करके रख सकता है, तो वो संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता था। इसी तरह से घी नया है, घी नया है अर्थ उसके घर में पशु, दुधारू पशु हैं, इसलिए वह प्रतिदिन जो है घर में वह गोदुग्ध का या गोघृत का सेवन के योग्य वह परिवार है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह संपन्न घर है। तो यह एक प्रतीक भी थे, नया घी और पुराना अन्न। तो हम बात कर रहे थे गेहूं के विषय में, तो गेहूं को आयुर्वेद के अंदर शीतल माना गया है, पौष्टिक माना गया है और इसको वीर्यवर्धक भी माना गया है। और यूनानी मत के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो अनाज को पौष्टिक तो माना ही गया है, और यूनानी मत वाले लिखते हैं कि गेहूं जो है शरीर को मोटा करता है और काम इंद्रियों को ताकत देता है, यानी कि इसको कामोद्दीपक भी यूनानी मत के हिसाब से माना गया है। तो शरीर को मोटा और काम इंद्रियों को ताकत देने के लिए भी कहा कि गेहूं का सेवन करें। तो गेहूं का हम विविध रूप में सेवन करते हैं, सबको पता है कि हम पूरे देश में भारतीय व्यंजन में जो गेहूं की रोटी है वो सुप्रसिद्ध है, सभी लोग रोटी प्रतिदिन सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम गेहूं का दलिया बना करके खाते हैं, गेहूं का हम दूसरे विविध व्यंजन बनाते हैं। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी एक जो अनाज है हरित क्रांति के अंदर, ये गेहूं भी एक महत्वपूर्ण अनाज है। तो यह निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है। तो इसके विषय में हम इसकी जो औषधीय गुणों की चर्चा करें, उसमें से एक दो बातें ऐसी हैं जो मैं बहुत बताना चाहूँगा कि मैंने आयुर्वेद के ग्रंथों में पढ़ा, हालांकि उसका अभी प्रयोग करने का मौका नहीं मिला, पर आप प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि वैसे किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया तो इसके लिए लिखा है कि पागल कुत्ते ने काट लिया तो उस जगह पर जहाँ उसने काटा है उस जगह पर, या किसी जानवर ने काट लिया, हमें पता नहीं है कि ये पागल है कि नहीं है, ये पता करने के लिए उस जगह पर आप गेहूं के आटे को मांड करके, यानी कि आटे को पानी मिला करके, जैसे लुगदी जैसा बना करके, जो रोटी बनाने के लिए आटे की लुगदी बनती है ऐसा बना करके, जानवर ने जैसे किसी आदमी को काटा उस जगह पर उसको लगा लें, आटे को थोड़ी देर लगा करके रखें, 5-7-10 मिनट लगा करके रखें, उसके बाद उस आटे को कुत्ते को खाने के लिए दे दें। कुत्ते को खाने के लिए देते हैं तो यदि वो कुत्ता उस आटे का खा लेता है तो ये समझ लेना चाहिए कि वह जानवर जो है पागल नहीं है। यदि उस आटे को उस कुत्ते के द्वारा नहीं खाया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि उसको पागल जानवर ने काटा है, क्योंकि कुत्ता बहुत बुद्धिमान है, ये हम सबको पता है। कुत्ते के अंदर इतनी भी एक सामर्थ्य है कि वह ये बता दें यह पागल जानवर का कटा हुआ है या नहीं है। तो उसका परीक्षण करने की विधि भी हम समझते हैं कि इस गेहूं के आटे के द्वारा हम एक परीक्षण कर सकते हैं कि आदमी को पागल जानवर ने काटा है या नहीं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो इसका प्रयोग हम जरूर करके देख सकते हैं। यदि ऐसा कहीं भी किसी जानवर ने, किसी पागल कुत्ते आदि ने काटे तो परीक्षण कर सकते हैं, परंतु ये निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में हमें रिस्क नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कभी भी रेबीज होने का संभावना रहती है, पागल जानवर ने काट लिया तो। जो एंटी रेबीज आजकल वैक्सीन मिलते हैं, आजकल इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, सबको पता है ये जरूर लगाना चाहिए, पर परीक्षा की दृष्टि से हम जरूर परीक्षा करके देख सकते हैं। दूसरी बात, जो आटे का एक प्रयोग प्रायः हमारी माताएं बहनें करती हैं और जिसका हमने देखा बहुत उसका प्रभाव, उसके गुण को देखा, यदि आप जो गेहूं का आटा है, जैसे मैंने कहा ये पौष्टिक है, ताकत देने वाला है हम सही ढंग से, परंतु यही गेहूं को यदि आप रोटी बना करके खाते हैं तो उससे ताकत मिलती है, और यदि परांठा बन करके घी में तल करके उस गेहूं के रोटी को खाते हैं तो वो जा करके अपचन पैदा करता है। घी इतना नुकसानदायक नहीं है, आटा भी नुकसानदायक नहीं है, परंतु घी आटे का संयोग, रोटी बनाइए, रोटी बना करके रोटी के ऊपर मक्खन रख लीजिए। एक बात ध्यान भी रखना, कई लोग क्या करते हैं रोटी को बड़े चुपटते हैं, घी से चुपटते हैं, तो चुपड़ी हुई रोटी भी जो है वो जाकर के हजम नहीं होती है। इसका मैं एक उदाहरण दे दूं,
एक रोटी को आप टुकड़ा करके पानी में डाल दीजिए, दूसरी रोटी को घी चुपड़ करके आप पानी में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि चुपड़ी हुई रोटी जल्दी गलेगी नहीं, और बिना चुपड़ी हुई रोटी यदि हम पानी में डाल देते हैं तो जल्दी गल जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण है पर समझने की बात है। और यदि परांठे को पानी में डाल दीजिए तो और भी नहीं गलेगा। इसी तरह से जो हमारा पेट है उसको उसका पाचन होने में, उसको पचाने में, परांठे को पचाने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। चुपड़ी हुई रोटी को पचाने में थोड़ी और कम ताकत लगती है, और बिना चुपड़ी हुई रोटी खाते हैं तो पेट आराम से उसको पचा लेता है। तो आप कहेंगे कि क्या घी का सेवन नहीं करना चाहिए? नहीं, आप घी को सब्जी में डाल दीजिए, आप घी को दाल में डाल दीजिए, तब फिर आप रोटी खाइए, पूरा स्वाद आपको मिलेगा, वो जाकर के डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और यदि आप रोटी के ऊपर घी रख करके भी यदि रोटी के साथ खा लेते हैं तो भी वह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए चुपड़ी हुई रोटी नहीं, अपितु रोटी के ऊपर घी रख करके, या रोटी को आप जो है घी को दाल सब्जी में डाल करके आप सेवन करें तो वह पाचन हो जाएगा। अग्नि का जो संयोग है, जिस तरह से हम उसको तलते हैं या जिस तरह से अग्नि में उसको जलाते हैं घी को, उससे वह एक जहर पॉइजन इकट्ठा होता है, तो वो हानिकारक हो जाता है, वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो जाता है। दूसरा उपाय ये भी है कि यदि आपको घी खाना है और आप उसको नहीं जलाना चाहते हैं तो आटा जब गूंथते हैं, जब आप गेहूं की रोटी बनाते हैं उस समय आटे के अंदर यदि घी डाल दिया जाए तो वह घी जलेगा नहीं, वह घी उसका अंदर रहेगा, वो आपको ज़्यादा लाभ देगा। तो मैंने मेरी माताओं को, बहनों को यह भी बताने का अभी प्रयत्न किया है कि घी और गेहूँ का सेवन हम कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसका ध्यान रखेंगे तो घरों में से सुबह उठने वाला परांठे की धुएं की जगह वह आप उसका स्वाद से लाभान्वित ज्यादा हो पाएंगे। और दूसरी, दर्द के लिए पूरे देश के अंदर यह प्रचलित है कि यदि किसी को सूजन हो जाए, कहीं से मोच आ जाए, तो एक प्रयोग बहुत तायत में किया जाता है और बहुत ही कारगर है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे गेहूं की आप मोटी रोटी बनाए, मोटी रोटी बना करके फिर आप एक तरफ उस रोटी को, जैसे एक तरफ सिक रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ को कच्ची रखें, कच्चे वाले साइड में ही आप सरसों का तेल, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी हल्दी उसको डाल करके उसमें फैला दें, फैला करके उस रोटी को निकाल लें और गरम गरम रोटी जितने सहन कर सकें उतने गरम गरम को उस जगह पर जहाँ सूजन है, जहाँ मोच आई है, जहाँ चोट लगी है, उस जगह चोट गुम चोट होनी चाहिए, फटा हुआ घाव नहीं होना चाहिए, उस जगह पर यदि आप बांध देंगे तो आप देखेंगे कि कितनी भी भयानक पीड़ा हो रही हो तुरंत आपको लाभ मिलेगा, और आप देखेंगे 2-4-5 घंटे में ही वो सूजन काफ़ी कम हो जाती है। ये प्रयोग हमने बहुत किया है, बहुत ही कारगर है, और आप अपने घर में रखा हुआ आटे से, हल्दी से और नमक से इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल सा सरल प्रयोग मैंने बताया। दूसरा, जैसे कई बार फोड़े हो जाते हैं, पकता नहीं है, उस स्थिति में भी आप सेंधा नमक हल्दी लगा करके छोटी सी रोटी बना लें, उतने स्थान पर आ जाए, आने के बाद में पीछे से उसको थोड़ी सी जो उसके जो मुख है, जो फोड़े फुंसे का, उतने को छेद कर दें, छेद कर करके यदि आप उसको बांध देंगे तो बांधने के बाद आप देखेंगे कि रात भर रखे रहें तो सुबह तक हुआ पक भी जाएगा। तो ये जो उसके जो मुख है, जो फोड़े फुंसे का, उतने को छेद कर दें, छेद कर करके यदि आप उसको बांध देंगे तो बांधने के बाद आप देखेंगे कि रात भर रखे रहें तो सुबह तक हुआ पक भी जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है फोड़ा फुंसियों को पकाने के लिए भी। तो इसी तरह से जो दर्द है शरीर में, मोच वगैरह आ जाती है, चोट वगैरह आ जाती है, उसके दर्द के लिए एक आपको अच्छा प्रयोग बताता हूँ। यदि आप गेहूं को हल्दी डाल करके भुने, जैसे ज़्यादा गेहूं जरूरत नहीं है, करीबन एक बार के लिए 10 ग्राम, 2-3 चम्मच गेहूं बहुत है, 3 चम्मच गेहूं में लगभग आप आधी चम्मच हल्दी डाल लें, उसको हल्दी डाल करके गेहूं को भून लें, सूखे ही भून लें, गेहूं भी लाल हो जाएगा और हल्दी भी ऐसा हो जाएगा। चाहे तो उसमें थोड़ा सा घी डाल लें, घी डाल करके बाद में तो उस हल्दी को और उस गेहूं को चबा चबा करके खा लें, खाने के बाद में आप देखेंगे कि जो दर्द है, मोच है, उसमें तुरंत आपको लाभ मिलेगा। तो ये दो प्रयोग ऐसे हैं गेहूं के जो हमारे को दर्द से, मोच से, सूजन से तुरंत हमें राहत दिलाते हैं, बहुत ही कारगर हैं, और हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में बहुत ही प्रसिद्ध भी है। तो ये दो प्रयोगों को आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और प्रयोग है खाज खुजली दाद के लिए। हालांकि आजकल बाजार में भी मिल जाता है गेहूं का जो तेल है, तो गेहूं का तेल यदि आप निकालेंगे तो आप कहेंगे जी इसके अंदर तेल तो नहीं होता है। नहीं, तेल होता है। उसका सरल उपाय यह है कि जो हमारे यहाँ पाताल यंत्र कहा जाता है, मैंने एक दो प्रयोगों में और भी बताया है, खाज खुजली दाद के लिए एक छोटी सी हंडिया में आप नीचे से छेद कर दें,
छेद करके ऊपर गेहूं को रख दें। गेहूं जैसे मान लीजिए आप मोटा मोटा कूट कर रख सकते हैं, नहीं तो साबुत गेहूं को रख लीजिए। गेहूं को रख करके उसके नीचे एक छोटा सा पात्र रख दीजिए, उसको जमीन के नीचे रख लो। जमीन के नीचे रखने के बाद में उस पात्र को उसके ऊपर जो है आप एक बर्तन को रख लीजिए और बर्तन के चारों तरफ आप उपले रख दें, उसको आग से जला दें। तो जब गर्म हो जाएगा टेम्परेचर से, तो धीरे धीरे उसका जो लिक्विड है, उसका जो मॉइस्चर है, वो धीरे धीरे उसमें से निकल करके वो नीचे के बर्तन में टपकना शुरू हो जाएगा। जब टपकना शुरू हो जाएगा तो उसमें इकट्ठा हो जाएगा। उस तेल को आप संभाल करके रखिए, इसको गेहूं का तेल कहते हैं। आपको दाद हो, खाज हो, खुजली हो, एक्जिमा हो, उसमें आप इस तेल को लगा सकेंगे। ये बहुत ही लाभकारी गेहूं का तेल है, वास्तव में बहुत अच्छा काम करता है दाद खाज खुजली में ये गेहूं का तेल। तो ये गेहूं का तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आटे को यदि आप थोड़ा पानी मिला करके ऊपर हल्दी डाल करके कहीं आपको जल जाए तो गेहूं के गीला आटे में हल्दी अंदर डाल करके बांधने से जलन में भी लाभ होता है। जैसे काम करते करते रसोई में हाथ आपका जल जाए, तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी है। और जैसे किसी को खांसी हो जाए तो खांसी की भी यह गेहूं दवाई हो सकती है। तो खांसी की दवाई कैसे हो सकती है, तो खांसी के लिए आप 10-15 ग्राम गेहूं को थोड़ा सा उसको दलिया बना लें, मोटा मोटा, और मोटा मोटा दलिया बना करके 10 ग्राम को आप 400 ग्राम पानी में डाल लें। उसमें मुश्किल से 1-2 ग्राम नमक डाल दें, सेंधा नमक, उसको डाल करके उबाल लें। जब 1/4 बच जाए काढ़े की तरह से, उसको आप छान करके पिए, आप देखेंगे कि किस तरह से वो खांसी को तुरंत भगाने में ये इससे सहयोग मिलता है। तो खांसी जैसी बीमारी में भी गेहूं का जो प्रयोग है वो बहुत ही कारगर है। इसके अतिरिक्त जैसे आप लगभग 5 ग्राम दलिया को पानी में पकाएं, उसमें 1-2 पत्ते तुलसी डाल दें, 1-2 चीज जैसे थोड़ा सा स्वाद की दृष्टि से डालते हैं तो 1-2 पंखड़ियां गुलाब की डाल दें, फिर उसको छान करके पिए। तुलसी, गुलाब और गेहूं का ये चाय, ये जो पेय है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो दूध मिला लें और आप चाहें तो उसमें मीठा भी मिला सकते हैं, चाहें तो वैसे भी आप पी सकते हैं। तो भुना हुआ जो दलिया है, हल्का भुना हुआ दलिए को आप काढ़ा बना करके उसके अंदर जो है उसको मिलाकर हल्का भूना, गेहूं को हल्का भून करके या गेहूं के दलिया को हल्का भून करके आप रख सकते हैं। रखने के बाद में उसको पानी में उबालिए, तुलसी के पत्ते और गुलाब फूल की पंखुड़ियां, जो देसी गुलाब की फूल की पंखुड़ियां होती हैं, आप उसको डाल करके सेवन करिए, तो आप देखेंगे कि वो आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट जो पेय है, चाय है, वो तैयार हो जाती है। और कमाल की बात तो यह है, किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या पिला दी गई, और वो स्वादिष्ट भी होता है और दूसरी बात तो गुणकारी भी होता है। जो चाय की जो हानि है उससे भी आप बच जाएंगे। तो खांसी के लिए भी और आपके पिए के लिए भी गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा प्रयोग, जिनको पेशाब में जलन वगैरह होती है उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको प्रयोग करने की विधि यह है कि आप मोटा मोटा जो दलिया कूट करके लगभग 2 चम्मच गेहूं को मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए, सुबह नितार लें, नितार करके थोड़ा मिश्री मिला करके उस पानी को पीते हैं, तो इससे पेशाब खुल करके होएगा, उससे जो पथरी होने की संभावना भी नहीं रहेगी, उससे आपको मूत्र कृच्छ जो बार बार रुक करके पेशाब होता है उसमें भी इससे पूरा लाभ होगा। तो आप अपने मूत्र रोग में भी इस गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। एक और गोधूम क्षार, यवक क्षार तो आपने सुना होगा, यवक क्षार आयुर्वेदिक दवाइयों दुकान में भी मिलता है। इसी तरह से गोधूम क्षार, गोधूम क्षार बनाने के लिए जैसे जो अभी जिस स्थिति में यह गेहूं है बहुत अच्छा है, पूरा डंठल सहित इसको तोड़ करके इसको जला देते हैं, जला करके फिर उसमें से जो राख है, राख को पानी में भिगो करके हिलाते रहते हैं, फिर उसका जो पानी ऊपर होता है उसको नितार देते हैं, नितारने के बाद जो नीचे बैठ जाता है वो क्षार तैयार हो जाता है। ये आयुर्वेद के जानने वाले लोग करते हैं। तो इस तरह से गोधूम क्षार का यदि प्रयोग आप करते हैं, थोड़ा सा गोधूम क्षार, मुश्किल से 0.5 ग्राम क्षार को यदि थोड़ा शहद मिला के चटा दें तो खांसी के लिए बहुत ही रामबाण है। और इसके अतिरिक्त वो गोधूम क्षार पथरी के लिए 0.5 ग्राम की लगभग मात्रा यदि सुबह शाम आप करते हैं तो किडनी की पथरी के लिए एक शर्तीय इलाज है, 6-12 mm तक की पथरी निकल जाती है। यवक क्षार बाजार में मिलता है, हमने देखा कि यवक क्षार के साथ में गोधूम क्षार भी बहुत ही लाभकारी होता है। तो यवक क्षार की जैसा ही आप गोधूम क्षार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताने का प्रयत्न किया कि यह गेहूं मात्र अनाज नहीं है, अभी तो इस अनाज के अंदर विद्यमान जो औषधीय गुण यदि हम बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका सेवन करते हैं तो हमारे लिए एक जीवन